पार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक के बालिग हो जाए, और तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो, दीवाना हो, दरवेश हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये वाकया सुना तो फरमाया, हाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद मुबारक मैंने भी उनसे सुना है। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराते हुए फरमाए, उम्मुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये अपने होश खो बैठती है। हो सकता है वो आदमी जिसने इसके साथ जिना किया उसने इसके दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जब ये बात सुनी तो उस औरत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी इंसाफ की कितनी बड़ी मिसाल यहाँ मिलती है। नाज़रीन, ये वो वाकया है जिससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इससे हजरत अली की जहानत और अक्लमंदी की एक मिसाल सामने आती है और ये भी पता चलता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अहदीस पर गिरफ्त कितनी मजबूत थी। और यहाँ पर ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली के दरमियान के तालुकात के हवाले से भी पता चलता है। और अहले बैत और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह के तालुकात के बारे में एक मजबूत दलील हमारे सामने आती है इस वाकये से। इस हदीस की कई लोगों ने तस्दीक भी की है और मुख्तलिफ इमाम इसकी तस्दीक कर चुके हैं और उनकी किताबों में ये वाकया मौजूद है। हजरत अली की बात हो रही है जहाँ उनका हमने ये वाकया आपके साथ शेयर किया, वहाँ ये भी बता दें कि हजरत अली को शेर खुदा कहा जाता है। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल मुतलिब के बेटे थे और बचपन से ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। इससे जाहिर होता है कि एक दरवाजे की कितनी अहमियत होती है किसी भी शहर के लिए और किसी भी शहर में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा कितनी अहमियत रखता है। इस हदीस से हजरत अली की अहमियत का भी पता चलता है। इसी तरह हजरत अली की जिंदगी से ही एक वाकया शेयर करते हैं कि हजरत अली के पास एक फकीर आया और कहता कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। हजरत अली ने हजरत हसन को घर भेजा और कहा कि जाओ अपनी वालदा से पूछो कि घर में क्या मौजूद है। हजरत हसन घर गए और अपनी वालदा से पूछा कि घर में क्या मौजूद है, तो हजरत फातिमा ने बताया कि घर में कुछ मौजूद नहीं, सिर्फ 6 दिरहम है। हजरत अली वापस आए और अपने वालिद को बताया कि वालदा ने कहा है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं। हजरत अली ने हजरत हसन से कहा कि जाओ वो 6 दिरहम ले आओ। वो घर गए और अपनी वालदा को कहा कि वालिद साहब ने कहा है कि 6 दिरहम दे दें। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि उन्हें कहो इसके अलावा घर में कुछ नहीं है और ये 6 दिरहम ले जाओ, रात का खाना भी बनाना है, कैसे करेंगे। जिस पर हजरत हसन गए और वो 6 दिरहम वालिद साहब को दिए और कहा कि वालदा ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि घर का खाना किस तरह से बनाना है। तो हजरत अली ने कहा कि अल्लाह पर तवक्कल रखो। हजरत अली मेहनत के लिए निकल गए, वो 6 दिरहम उन्होंने उसी टाइम उस फकीर को दे दिए। वो बाहर निकलते हैं मेहनत के लिए क्योंकि रात के खाने का भी बंदोबस्त करना है, तो वो देखते हैं कि एक यहूदी ऊंट बेच रहा था। वो उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये ऊंट कितने का है, तो वो यहूदी कहता है कि अगर आपने नकद लेना है तो 120 दिरहम का, अगर आप 2-3 या 5 दिन बाद इसकी पेमेंट देंगे तो 140 दिरहम का। जिस पर हजरत अली कहते हैं कि उनके पास तो अभी पैसे मौजूद नहीं, लेकिन वो उसे 5 दिन बाद यकीनन इसके पैसे दे देंगे। हजरत अली 140 रुपए दरहम में उससे वो ऊंट खरीद लेते हैं और उसे कहते हैं कि 5 दिन बाद तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। हजरत अली वो ऊंट लेकर उससे बाजार की तरफ चले जाते हैं और उसे फरोख्त करने के लिए वहाँ पर किसी खरीदार का इंतजार करते हैं। ऊंट काफी खूबसूरत था, लोग देखते हैं उसे पसंद करते हैं और उसका चमड़ा भी काफी जबरदस्त किस्म का था, तो लोगों को वो ऊंट पसंद आ जाता है। उसकी नलामी होती है और उस हवाले से 100 दरहम से शुरू होकर आखिरी बोली 200 दरहम में लगती है। तो हजरत अली 200 दरहम में वो ऊंट बेचकर घर आ जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर आने से पहले रास्ते में उस यहूदी को 140 दरहम देते हैं जिससे उन्होंने ऊंट खरीदा होता है। वो आदमी कहता है कि आपने तो 5 दिनों का वक्त मांगा था, अगर आपने आज ही पैसे देने थे तो 120 दरहम पे ले लेते। लेकिन हजरत अली के पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि वो 120 दरहम में उससे ऊंट लेते। हजरत अली घर जाते हैं और 200 में से जो 60 दरहम बचे थे वो हजरत फातिमा को देते हैं। हजरत फातिमा कहती हैं कि ये कहाँ से आए, हमारे पास तो 6 दरहम थे जो मैंने आपको दिए, ये 6 से 60 दरहम कैसे हो गए। तो हजरत अली फरमाते हैं कि क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि रिज्क देने वाला अल्लाह है। इस इस्लामी वाकये से ये मालूम होता है कि हजरत अली को खुदा पे कितना तवक्कल था और उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने उन्हें रिज्क देना है और उनको जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। लेकिन आज की दुनिया में लोग ये नहीं समझते और लालच कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। एक और वाकया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हजरत अली के हवाले से। हजरत अली से कुछ लोग कहते हैं कि इनसे कुछ सवाल करते हैं कि हजरत अली से कुछ ऐसा सवाल किया जाए कि हजरत अली का वो जवाब जो है तफसीली जवाब हो, उन्हें उसका जवाब देने में वक्त लगे और इसी दौरान उनकी मगरिब की नमाज जो है वो कजा हो जाए। हजरत अली अपनी इबादात के हवाले से बहुत पाबंद थे और उसे वक्त पर अदा करते थे,
तो इसी तरह कुछ लोगों ने प्लान बनाया और उनसे सवाल किया। उनसे सवाल किया गया कि हजरत अली ये बताएं, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। ये सवाल जब हजरत अली से पूछा गया तो हजरत अली ने उसका जवाब फौरन दे दिया और साथ ही नमाज शुरू कर दी। हजरत अली ने जवाब दिया कि जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं और जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। हजरत अली ने ये कहते साथ ही नमाज शुरू कर दी, जिस पर लोग हैरान रह गए। आज भी इस बात पर तहकीकात की जाती है और यही पता चलता है कि यही ऐसा ही है, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको हजरत अली के हवाले से बताया। हजरत अली इस्लाम में उनका एक बहुत नाम है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब हुआ करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शेरे खुदा भी कहा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दामाद भी थे और उनके चचा हजरत अबू मुतलिब के बेटे भी थे। बचपन से ही उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही प्यार था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तबलीग का पैगाम दिया, इस्लाम की दावत दी, तो हजरत अली वो शख्स थे जिसने बचपन में ही इस्लाम कबूल किया। 8 साल की उम्र में उन्होंने सलाम कबूल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे थे और हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उन्हें देखा जाता था। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की, एक वाकया बताया। यकीनन इस वाकये से आपको हजरत अली के हवाले से पता चला होगा। पहले वाकये में आपको उससे ये इल्म में इजाफा हुआ होगा कि उनकी अहादीस पर गिरफ्त कितनी ज्यादा थी। दूसरे वाक्य से आपको ये मालूम हुआ होगा कि उन्हें अल्लाह पर तवक्कुल था। वो जानते थे कि किस तरह से अगर वो 6 दरहम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपने बंदों को रिस्क देगा तो वो उसका बंदोबस्त भी करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ट्यूबलाइट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। साथ ही कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो से हवाले से और हमें बताइएगा हजरत अली के हवाले से कोई वाकया आप भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।